करेंगे पिज्जा सॉस। इसके लिए लगने वाली सामग्री है 4 बड़े टमाटर, 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 तेज पत्ता, 6 काली मिर्च, 1.5 टीस्पून बारीक कटा लहसुन, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून शक्कर, नमक स्वादानुसार, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून तेल। हाई फ्लेम पर पैन में पानी उबालने रखेंगे। टमाटर को इस तरह कट करके उबाल लेंगे। टमाटरों की स्किन अलग होने तक हमें इन्हें पकाना है। स्किन अलग हो चुकी है, निकाल कर ठंडा करेंगे। बाद में स्किन निकाल कर मिक्सर में प्यूरी बना लेंगे। हाई फ्लेम पर पैन रखेंगे, तेल ऐड करेंगे, उसमें तेज पत्ता और काली मिर्च डालेंगे, बारीक किया हुआ लहसुन डालेंगे, प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन होने तक पकाना है। थोड़ा नमक डालेंगे। नमक से प्याज जल्दी पकने में मदद होती है। टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट चलाते हुए पकाना है। पांच मिनट हो चुके हैं, टोमेटो केचप ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ओरेगानो, मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक और शक्कर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट पकाना है। होममेड पिज्जा सॉस रेडी है।